हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेपर क्रेन्स ऑफ पीस पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को चंद नए लफ्ज़ भी नज़र आएंगे और हम उनको साथ लेकर याद करेंगे और उनकी ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर ये था कि एक बच्ची है और उस बच्ची का नाम है सादाको सासा। सादाको सासा एक जापानी बच्ची है जो अपने ख्वाहिश और अपने वलवले और जोश का इजहार करती है और ये बताती है कि अगर कोई भी शख्स मेहनत करेगा, कोई भी शख्स एक अच्छी ख्वाहिश रखेगा तो उसकी मदद करने के लिए पूरी दुनिया उसका साथ देगी। और जो सादाको थी, उसकी ख्वाहिश थी अमन की ख्वाहिश। इस कहानी को पढ़ने से पहले बैकग्राउंड पढ़ना या समझना बहुत ज़रूरी है। ये अजीम जंग दोएम के पस मंज़र में लिखी गई है और हुआ ये था कि अगस्त 1945 या अगस्त 1945 में जापान के ऊपर बम्बार्टमेंट हुई थी और उस बम्बार्टमेंट में बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ था। तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो फोत हो गए थे। अब हुआ ये था कि जिस वक्त बम ब्लास्ट किया गया तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े बूढ़े उस जंग में फोत हो गए। ये उसी दौर में एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। इस कहानी में आपको बहुत सा सबक मिलेगा और ये पता चलेगा कि लोग ज़िंदगी में अपने सोचने के अंदाज़ को कैसे तब्दील करते हैं। एक बच्ची है जिसने ये सुन रखा है के ओरिगैमी के ज़रिए जो पेपर क्रेन्स बनाई जाती हैं, कागज़ी सारस बनाई जाती है, वो अगर 1,000 बना दी जाए तो 1,000 सारस के बना लेने से जो ख्वाहिश आप करेंगे वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। तो वो एक एथलीट बच्ची थी, खिलाड़ी बच्ची थी, वो अपने खेल की तैयारी कर रही थी। लेकिन उस ज़माने में उसको लुकीमिया यानी खून का कैंसर हो गया था। जब जिस ज़माने की ये बात है, 1943, 45, 47 में इसका इलाज नहीं था और बच्चे जो हैं इस बीमारी से मर जाते थे। अब उसको अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी ज़िंदगी कम है, तो उसने पहले तो जो पेपर क्रेन बना रही थी वो अपने लिए बना रही थी और ये ख्वाहिश करती थी कि मैं ज़्यादा लंबी उम्र जी लूँ ताकि मैं खेल सकूँ। लेकिन जब उसने दुनिया का गम देखा कि इस सारी जंग में लोग काम आ गए हैं, इस्तेमाल हो गए हैं, तो उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं ये ख्वाहिश बदल के अपनी ज़िंदगी के बजाय मैं अमन की ख्वाहिश करूँगी। यानी इस पूरी दुनिया से ये जो एटॉमिक मिसाइल हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स हैं या जो भी वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह करे कि मैं इस तरह से करूँ कि ये मेरी ख्वाहिश यूँ पूरी हो जाए कि अपनी ज़िंदगी नहीं मांगूँगी बल्कि मैं अमन की ख्वाहिश करूँगी। तो ये ख्वाहिश इस कदर उसकी अच्छी साबित हुई कि वो तकरीबन 650 क्रेन्स बना सकी। लेकिन जब इसकी ख्वाहिश का लोगों को पता चला तो बाकी सारी दुनिया ने भी क्रेन्स बनाई और वो क्रेन्स इसके साथ ही दफन कर दी गई। और अमन की ख्वाहिश की ये जो सिंबल थी लड़की, इसने ये कर दिखाया और जापान उसके बाद अमन का गहवारा बन गया। और यही आज का हमारा लेसन है। इस लेसन को अब हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह उस बच्ची ने अपनी इस ख्वाहिश को दुनिया भर की ख्वाहिश में तब्दील किया और ये उसकी कुर्बानी और मेहनत कितना रंग लाई। ये लेक्चर हम आज ही कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम इतना ही काम करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम जाके मज़ीद इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अब बैकग्राउंड आपके पास आ चुका है, आप इसको एक व्यू कर लें, एक दफ़ा आप इसको रीडिंग कर लें मेरे पढ़ाने से पहले, ताकि आप कुछ नए लफ्ज़ जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो आराम से ढूंढ सकें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में मुझे बताइए। अल्लाह हाफिज़।